ये ट्रिक वाली एक टेबल है, पर ये कब समझ में आएगी जो मेरे कॉन्सेप्ट पे आप लोग ध्यान दोगे। मैं आपको बोलता हूँ, आप नाइट्रोजन की तरफ गौर से देखो, नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14। ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14। और आपको भी पता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है? 3। इतना तो आप याद कर लो। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। बस उसी को धार बनाओ इस टेबल की। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। सही है। तो अब क्या करना है, चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे आओ, आपको 0.5 का अंतर करना है बॉन्ड ऑर्डर में। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है, तो आपको मैं दिखाता हूं। देखो, 14 से मान लो किसी के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन 13 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5। 12 है तो 2। तो मैं ऊपर जाने के लिए क्या कर रहा हूं? 0.5 को घटा रहा हूं, 0.5 से घटा रहा हूं। 11 है तो 1.5, 10 है तो 1। तो यहां से ऊपर की तरफ माइनस का 0.5 कर रहा हूं और कुछ नहीं, समझ में आया? नीचे भी ऐसे करूंगा, नीचे भी जाऊंगा तब भी मैं माइनस का 0.5 करूंगा और कुछ नहीं, समझ में आया? मतलब टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हुए तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। 2.5 का क्या मतलब है? उसमें दो बॉन्ड तो पूरे होंगे, एक बॉन्ड आधा होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2, यानी दो बॉन्ड बनेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है तो 1.5 और 18 है तो 1।